सोनाक्षी जी तुझा सेंटर पीछे से हटो ना पीछे से हटो थैंक यू Gentlemen, please welcome Sanjay Dutt. Well, you know how close I was with your father, and it's always a pleasure working with Dharma, and to see you grow like that, I'm so proud of you, Karan, and to work with Varun. And Sonakshi, Adi, Alia, and most of all, ma'am, Madhuri ji. After so many years, I really enjoyed this journey, and I just want to be a part of that. Thank you, Sanjay, and we love you. जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि
बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम करूँ। हम कितने 20+ ईयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो को-एक्टर्स यू वर्क विद बिफोर और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल। जी मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोला बट ये भी मैम ही बोला तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बोला। मैं तो आपका माँ बोला। करण सर, कलंक आपके फादर की फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था, तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ टीजर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जो जब आपने आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी, अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जिस जो एटमोसफेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, फिल्म जो एटमोसफेयर थी वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी कुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे। और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं, बहुत साल गुजर गए उसके बाद। और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था, आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है। और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट ही वुड फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है। एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ, आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड वॉट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरा, मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड। Karan sir, Karan sir, on your left, slightly on your left. This is Simran Singh here. Yeah, yeah, yeah. On your left. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is: in the teaser, we saw that the during titles, all the female leads' names were first, and then there was the male cast names. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women. Been raised by a group of strong women, and these three wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. So, I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. Good, very good. So, मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि usually there is a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा role नहीं मिलता, the कहानी is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character, and like I mentioned earlier, the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something, and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in that place. Alright, we have two questions. We have two more questions. I just have to say that this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he will also be a primary character. There's no monkey. So it's a true ensemble. There's a bull.
Okay, sorry. I'm just saying, in case you see him. Yeah, the bull and Naran. This is a film about these six people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play. Karan. We have last two questions. Yeah, Karan. You're right, Karan. Karan. देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूँ तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया काफी तैयार होके खुद आए हैं ये और आई थिंक ये आर्टिस्ट है तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं तो इसलिए ऐसे कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत वरुण आलिया माधुरी संजय आदि सोनाक्षी उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं है सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया हाँ जी ए वन लास्ट क्वेश्चन यस यस सर यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू करण आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण So, Ali Varun, we have seen you in Humti, Padri, and student, all urban films. Yeah. So, how are Humti and Padri urban films? But it's quite different from this kind. Yes, not a period. Yeah. So, how was working with this film? And Karan, you also tell us ki kitna difference hua in mein student to Kalank. Just. आई थिंक बच्चे बड़े हो गए आई थिंक इस फिल्म के दौरान मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए बट वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर दिस सम थिंग्स डोंट चेंज बट वरुण सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा है स्पेशली हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हुई सच बात है शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी क्योंकि टेल प्लीज टेल द रीजन व्हाई लड़ाई हुई बिकम फाइन व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग नो वी नॉट व्हेन यू फेल डाउन पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ तो मैंने पूछा अरे ऐसे क्या हो गया She said, क्या दो तीन बड़ी फिल्में साइन कर लिए तो she said, नहीं 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 I'm in my character and all तो she was this conversation never happened तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था 20 मिनट I said and I apologized to people everyone but Alia was not talking to me और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही और गिर के जाएगी किधर मुझे ही पकड़ना है तो जब जब वो गिरी और मैंने पकड़ा अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया बट फिर तब आलिया हंसी एंड देन वी बिगिन फ्रेंड्स या नो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लवली आई लव वर्किंग विद हिम एंड ही इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई हैव टू से ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म इन माय Karan, just that's the last question, ladies and gentlemen. सवाल ये है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं मला माहिती नाही तो बोलला आप बाबा ये बैठे अरे स्टेज अरे स्टेज ले बैठ अरे दत्ता अतिश जी अरे दत्ता उसको बिठा ना रही है अरे रहीम 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 धोखे दे रहे रहीम यार क्या कर रहा है यार रहीम अरे रहीम अरे अश्विनी अरे रहीम
नहीं नहीं रुक कर रहा हूँ अरे कौन है ये स्टेल बैठो रे अरे स्टेल बैठना वीडियो के लिए अश्विनी बस्ता कर ले अश्विनी 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 अरे अश्विनी अश्विनी